A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 9 science, chapter number 6. The name of this chapter is tissue. Tissue. Tissue is a group of cells having similar structure and function. In plants and animals, groups of cells called tissues carry out specific function. Example. In human beings, the cells of the muscular tissue contract and they relax and they help in movements. In plant, the cells of the vascular tissue conduct water and the food from one part of the plant to the other. What do you understand by this word tissue? Tissue is a group of cells having similar structure and function. वे कोशिकाएं जो कि कार्य के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर समान होती है, यानी कि जिनकी संरचना समान होती है, जिनका कार्य समान होता है, उन कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है उसे ऊतक कहते हैं, यानी कि टिश्यू। प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं वे बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स सेल्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स द हेल्प इन मूवमेंट। यदि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, मानव की बात करें, तो इनके अंदर जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनकी संकुचन और रिलैक्सेशन से मूवमेंट होता है, इससे जो व्यक्ति है वो मूवमेंट कर पाता है। यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो इसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं बेटा, वो वाटर एंड फूड को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर कंडक्ट करने के अंदर हेल्प करते हैं। सो हियर द टाइप्स ऑफ मसल्स, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल्स एंड द कार्डियक मसल्स डायग्राम इज हियर। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड द एनिमल टिश्यू। यदि हम इन दोनों के बीच में अंतर देखने की कोशिश करें कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंट होते हैं, तो देखते हैं। प्लांट टिश्यू, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूवमेंट नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ सेल्स एंड टिश्यू इन प्लांट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। सो प्लांट के अंदर जो सेल्स होते हैं, मतलब जो मेन टिश्यू होते हैं, वो उस प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का वर्क करते हैं, उसे स्ट्रेंथ देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। इसीलिए प्लांट्स के अंदर जो मोस्टली टिश्यू होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक प्लेस ओनली इन सम रीजन्स। सो प्लांट हैव टिश्यू कॉल्ड मेरिस्मेटिक टिश्यू विच डिवाइड एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड द परमानेंट टिश्यू विच डू नॉट डिवाइड। सो प्लांट जो ग्रोथ करते हैं, अभी ये हमने देखा कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पर तो जाते नहीं है, तो प्लांट को जहाँ पर लगाया जाता है वो वहीं पर ग्रोथ करने लगता है। एक जो सीड होता है वो एक बेबी प्लांट के अंदर कन्वर्ट होता है, वो जो प्लांट होता है वो शर्प के अंदर कनेक्ट होता है, कन्वर्ट होता है, और उसके बाद में क्या होता है कि जो प्लांट है वो ट्री के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं प्लांट के अंदर, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसमें ग्रोथ हो रही है। जैसे जैसे वक्त निकलता जाता है वैसे वैसे उसमें जो ग्रोथ होती है वो और होती जाती है। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उस प्लांट के, वो डिवाइड होते हैं और प्लांट की ग्रोथ करने के अंदर हेल्प करते हैं। परमानेंट टिश्यू विच डू नॉट डिवाइड, इसके अंदर जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डिवाइड नहीं होते। नाउ एनिमल टिश्यू, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नीड मोर एनर्जी देन प्लांट्स। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है कंपेरिजन टू प्लांट्स। सो मोस्ट सेल एंड टिश्यू इन एनिमल आर लिविंग सेल। तो जो एनिमल सेल्स होती हैं, एनिमल टिश्यू जो होते हैं उनमें जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं बेटे? लिविंग सेल्स होती हैं। द ग्रोथ ऑफ एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, सो एनिमल डो नॉट हैव सेपरेट डिवाइड एंड नॉट डिवाइडिंग सेल्स। एनिमल्स हैव ऑर्गन्स, हैव अ स्पेसिफाइड फंक्शन, सो द ऑर्गन्स हैव स्पेशलाइज टिश्यू। ये हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने स्टडी किया था बेटे कि जो एनिमल जो होते हैं, यूकैरियोटिक जो एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर हर एक कार्य को करने के लिए ऑर्गन सिस्टम होता है। तो एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो भी स्पेसिफाइड होते हैं। जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है उसके अंदर जो टिश्यू हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं। नाउ प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू आर टू मेन टाइप।
दे आर मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू होते हैं उन्हें मेजरली हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेरिस्मेटिक और परमानेंट में। मेरिस्मेटिक टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो और तीन तरह के होते हैं। दे आर एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकॉलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड द लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स। दे आर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्कलेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स। दे आर जाइलम एंड फ्लोएम। सो हियर द ट्री स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, मेरिस्मेटिक एंड द परमानेंट। द मेरिस्मेटिक इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, एपिकल, इंटरकॉलरी एंड लैटरल। परमानेंट टिश्यू डिवाइड इंटू टू मेन पार्ट्स, सिंपल परमानेंट एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट डिवाइडेड इंटू ऑल्सो थ्री पार्ट्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिवाइड इंटू टू मेन पार्ट, जाइलम एंड फ्लोएम। सो आप ये जो ट्री चार्ट है इसके थ्रू आप जो प्लांट टिश्यू हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करिएगा। नाउ मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू आर फाउंड इन अ ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट लाइक द टिप्स ऑफ रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो ग्रोइंग रीजन पे पाए जाते हैं। प्लांट का वो हिस्सा जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा वहाँ पर ये वाले टिश्यू पाए जाते हैं। और ये कौन कौन सी जगह हैं? ये टिप्स ऑफ रूट है, स्टेम है, ब्रांचेस हैं। दे डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये लगातार डिवाइड होते रहते हैं और प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये तीन तरह के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकॉलरी। एपिकल आर प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो जो टिप्स ऑफ स्टेम और रूट्स हैं वहाँ पर कौन से वाले मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं? एपिकल मेरिस्मेटिक पाया जाता है। और इसकी वजह से, इसमें जो डिवाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से स्टेम और रूट जो होती है उनकी वो ग्रोथ करते हैं। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन द साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। दे हेल्प इन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। जो स्टेम और रूट की मोटाई बढ़ती है, उनकी जो गिर्थ बढ़ती है वो किसकी वजह से होती है? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से होती है। इंटरकॉलरी आर प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द लीव्स एंड द इंटरनोड्स एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दोज पार्ट्स। जो लीव्स का जो बेस होता है, जो इंटरनोड्स होते हैं, वहाँ पर ये वाले मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। सो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पुटअप हो रहा है कि स्टेम और रूट के ग्रोइंग पार्ट में कौन से वाले टिश्यू पाए जाते हैं और लैटरल टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, या गिर्थ ऑफ स्टेम और रूट जो होते हैं वो किसकी वजह से इंक्रीज होते हैं, और इंटरनोड्स में या बेस ऑफ लीव्स में कौन से वाले टिश्यू पाए जाते हैं। तो आपको इनकी बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करनी है। यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं। नाउ द सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। Permanent tissue are formed from the meristematic tissue. They do not divide and have permanent shape and size. They differentiate into different type of permanent tissue. Permanent tissue are of two main types. They are simple permanent tissue and the complex permanent tissue. Simple permanent tissue are made up of one type of cells. They are of three types called parenchyma, colenchyma and sclerenchyma. Parenchyma consists of a loosely packed thin walled cells having more intercellular space. Some parenchyma cells in leaves contain a chloroplast and prepare food by photosynthesis. Some parenchyma cells have large air cavities which help the plant to float on water. Some parenchyma cells of roots and the stem store water and the minerals. तो parenchyma जो tissue हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये loosely पैक्ड होते हैं, इनकी जो वॉल्स जो होती है वो लूजली पैक्ड होती है, इनमें जो एयर है वो ज़्यादा पाई जाती है, एयर स्पेस जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं इनमें। और कुछ पैरेन्काइमा सेल ऐसी होती हैं जिनमें लार्ज एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो होता है वो वाटर में फ्लोट करता है। तो जो लोटस है वो वाटर के अंदर जो फ्लोट करता है तो उसके अंदर पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं वो पाए जाते हैं। सम पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ द रूट्स एंड द स्टेम स्टोर वाटर एंड द मिनरल्स। कुछ पैरेन्काइमा सेल ऐसी होती हैं जो कि वाटर और मिनरल्स को स्टोर करके रखती हैं। नाउ नेक्स्ट है कोलेन्काइमा। कंसिस्ट ऑफ द एलोंगेटेड सेल्स हैविंग लेस इंटरसेलुलर स्पेस एंड थिक एट द कॉर्नर्स। दे गिव फ्लैक्सीबिलिटी एंड अलाउज ईजी बेंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक अ स्टेम, लीफ एक्सेट्रा। दे ऑल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। तो हमने देखा है कि जो कुछ प्लांट
में ऐसे पार्ट्स होते हैं जो ईजिली बैंड हो जाते हैं, उनमें फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? कोलेनकाइमा की वजह से होती है। और लॉट ऑफ द टाइम जो कोलेनकाइमा होते हैं ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल्ड सेल्स। द सेल वॉल्स कंटेन लिग्निन एंड अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट लाइक सीमेंट एंड हार्डनेस दैम। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द प्लांट पार्ट्स। सो यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि वो कौन से टिश्यू हैं जिनमें कि लिग्निन जो है वो पाया जाता है, लिग्निन केमिकल सब्सटेंस के रूप में पाया जाता है। तो आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। और इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि ये सीमेंट के जैसे वर्क करते हैं, ये हार्डनेस शो करते हैं एंड इट गिव स्ट्रेंथ द हार्डनेस ऑफ द प्लांट पार्ट। Now here the diagram of the different tissues is a parenchyma, colenchyma and sclerenchyma. Now the next slide is parenchyma tissues, colenchyma tissues and sclerenchyma tissues के बीच में जो diagrammatic difference है वो show किया गया है आपको। यहाँ देखिए इसमें cross section के अंदर जो parenchyma है उसका diagram किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। Intercellular space जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और कोलेनकाइमा की यदि हम बात करें तो उसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो कम है और जो स्क्लेरेनकाइमा है उनमें बिल्कुल न के बराबर पाया जा रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज परमानेंट फंडामेंटल टिश्यू। सम टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। सो हियर ऑल्सो अ डायग्रामेटिक डिफरेंस इन बिटवीन द पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड द स्क्लेरेनकाइमा। In first parenchyma slide, unspecialized cell with thin primary walls and the function is photosynthesis, secretion, storage. And the second colenchyma is a elongated cells with the uneven primary walls living at maturity and the work is support in leaves and stem. In sclerenchyma, elongated with very thick secondary walls, dead at maturity and the work is support. It is a very important question ki write the difference between the colenchyma, sclerenchyma and the parenchyma. Now complex permanent tissue. Complex permanent tissue I will explain to you in the next part of this chapter. Thank you very much.